बीते कल नगर निगम शिमला हाउस की विशेष बैठक में दुकानों के किराए के में विधि के खिलाफ शिमला व्यापार मंडल ने मोर्चा खोल दिया है। व्यापार मंडल ने निगम पर बेहिताश किराया बढ़ाने के आरोप लगाए हैं। शिमला व्यापार मंडल के अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह ने कहा है कि नगर निगम ने दुकानों के किराए में अत्यधिक वृद्धि कर दी है, जिससे व्यापारियों पर भारी बोझ पड़ेगा। इंद्रजीत ने कहा है कि केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकार व्यापारी विरोध सरकार है। भाजपा सरकार ने यह नोटबंदी और जीएसटी थोप कर व्यापारियों को परेशान किया, वहीं अब भाजपा शासित नगर निगम ने दुकानों के किराए में भारी बढ़ोतरी कर व्यापारियों की कमर तोड़ दी है। शिमला व्यापार मंडल ने नगर निगम से किराया में की गई बढ़ोतरी को कम करने की मांग की है, जिसके लिए आज व्यापार मंडल ने 1 बजे तक सांकेतिक बाजार बंद करने का फैसला लिया है। देखिए, किराया लगभग 1000 गुना तक बढ़ गया है, जो कि इतना नहीं होना चाहिए था। हम किराया, हमारे सारे व्यापारी चाहते थे कि किराया बढ़े, लेकिन एक इसका किसी कोई क्राइटेरिया होना चाहिए था, उसके तहत बढ़ना चाहिए था, लेकिन इन्होंने बिना सोचे समझे इसको इम्प्लीमेंट कर दिया। और मुझे दुख है कि भाजपा शासित म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने किसी ने हमारा साथ नहीं दिया, और जब से ये भाजपा गवर्नमेंट, चाहे वो केंद्र में है, चाहे वो स्टेट में है, व्यापारियों के खिलाफ है, चाहे वो जीएसटी के करके या नोटबंदी करके व्यापारियों को भिन्न तरह तंग किया जा रहा है। और आज व्यापारियों में काफी रोष है इस किराए को लेकर। ये किराया व्यापारी ने अपनी जेब से नहीं देना है। हर दुकान में लगभग कितने हमारे पास एम्प्लॉयज है, हमारे पास शिमला में लगभग 30,000 व्यापारियों ने लगभग 30,000 लोगों को रोजगार दिया हुआ है, जो हमारे 30,000 से भी अधिक रोजगार दिया हुआ है। तो हम जहां रोजगार दे रहे हैं, और ये किराए की जो मार है सीधी व्यापारी ने नहीं झेलनी, व्यापारी ने भी ये आम जनता से पढ़ना है। हमने किराया नगर निगम शिमला व्यापारियों पर जो फरमान जारी कर रहा है, इसके विरोध में सारे व्यापारी इकट्ठे हुए, क्योंकि जिसका किराया 1 रुपया था, 2 रुपये था, उसका सीधा किराया जो है 30 रुपये, 40 रुपये और 50 रुपये के बीच में किया गया, जो कि एक जायज़ है और गलत तरीके से किया गया है। कानूनन व्यापारी जो है हर 3 वर्ष के बाद जो है 10% किराया अपना बढ़ाता है, और जो कानूनी के हिसाब से उसके ऊपर जो लागू होता है, कानून के हिसाब से बिल्कुल ठीक चल रहा था, फेयर था, और उसके ऊपर एक नजायज तरीके से जो है पूरा किराया थोपा गया है, और बहुत ज्यादा किराया जिसको बोलते हैं कि 2500 और 2500-3000 गुना किराया हुआ है, उसके विरोध में आज सारे व्यापारी इकट्ठे हुए हैं। और व्यापार मंडल ने एक कॉल दी थी 1 बजे तक के लिए, ये कॉल अभी क्लियर नहीं हो पाया था। अभी हम एक जो है एक सांकेतिक धरना था, ये अगर हमारी बात को रिव्यू नहीं किया गया तो हम जो है लगातार डेफिनेटली स्ट्राइक पे जाने के लिए भी तैयार होंगे। इसके लिए हम सरकार से भी बात करेंगे और कॉरपोरेशन से भी बात करेंगे।